एक तरफ है बालन शाह और उनके पीछे नेपाल की आवाम और दूसरी तरफ है फिल्म इंडस्ट्री ऑफ नेपाल एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल। दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी ने जन्म ले लिया है। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमालिया। इस वक्त जो घटनाएं घट रही हैं उसका नतीजा कुछ भी रहे लेकिन उसका नतीजा कहीं न कहीं कोर्ट की धज्जियां उड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। बालन शाह जिस हट पर खड़े हुए हैं, हो सकता है वो सही हो और वास्तव में मान सकते हैं कि वो सही भी है, लेकिन उसका नतीजा फिर भी नेपाल को बहुत बड़ा यहाँ पे लॉस देकर जा सकता है। आप इस बात को सुनकर मुझ पर भी एंग्री हो सकते हैं या फिर आप डिसलाइक या फिर इस तरह का कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन जिससे पहले कि आप कमेंट करें उससे पहले पूरा वीडियो जरूर सुन ले। तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है, उसके बाद ही आपको सजेस्ट करना है कि आप किस नतीजे पर पहुंचे। और अगर आप चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, साउथ इंडियन मूवी जो कि हम कह सकते हैं आदि पुरुष, जैसे ही रिलीज हुई उसके बाद से बालन शाह का एक कमेंट या फिर हम कहें कि बालन शाह का एक ट्वीट जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो गया। उन्होंने वास्तव में सही मुद्दा उठाया था, जानकी भारत की बेटी नहीं है, वो नेपाल की बेटी है, और इस सीन को कट भी कर दिया गया। लेकिन बालन शाह का मानना था कि कट करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसको बदल कर जानकी नेपाल की बेटी है ये किया जाए, लेकिन फिल्म के निर्माताओं ने ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। तो यहाँ पे जो बालन शाह हैं वो और ज्यादा क्रोधित हो उठे और उनका डिसीजन आया अगला कि अब इस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो कि नेपाल फिल्म इंडस्ट्री है, फिर नेपाल के सिनेमा घर्स हैं, उनके अंदर कोई भी हिंदी फिल्म नहीं चलेगी। और उन्होंने प्रतिबंध भी लगा दिया इस चीज को, क्योंकि वो जानते थे कि जो वो डिसीजन लेंगे उनका आवाम अच्छे से पालन भी करेगी, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि आवाम उनकी फैन है, पूरा नेपाल उसके पास है, या फिर ऐसे कहें कि पूरा नेपाल उनका फैन बन चुका है। और यहाँ पे बालन शाह ने कह दिया कि इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाए। जैसे ही इसमें दिन गुजरे दो तीन, उसके बाद नेपाल फिल्म इंडस्ट्री ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि यहाँ तक ठीक था कि प्रभास की जो मूवी है उसके अंदर गलत है चीजें और उसको काट दिया जाए तो ये ठीक रहेगा, लेकिन बालन शाह का ये फैसला कि सारी यहाँ पे जो भी हिंदी मूवी आती है उनको बंद कर दिया जाए, प्रतिबंध लगा दिया जाए, ये फैसला बिल्कुल ठीक नहीं है। नेपाल फिल्म इंडस्ट्री सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर कर देती है, जितने भी सिनेमा हॉल्स हैं उनके मालिक भी कहीं ना कहीं इस याचिका के साथ होते हैं, और नेपाल कोर्ट का फैसला भी बहुत तुरता फुर्ती में आ जाता है, और फैसला बिल्कुल भी पक्ष में नहीं गया बालन शाह की, क्योंकि बालन शाह ने जिस तरह से प्रतिबंध लगाया था वो कारगर साबित नहीं करने दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल ने। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही फैसला सुनाया कि आदि पुरुष को छोड़कर सभी फिल्में चलेंगी, जो भी हिंदी फिल्में हैं वो नेपाल के अंदर कंटिन्यूसली, और उसके बाद थिएटर्स के अंदर यहाँ पे फिल्में चलनी भी शुरू हो गई। लेकिन जस्ट बाद एक और कमेंट आता है, एक और ट्वीट आता है बालन शाह का। बालन शाह कहते हैं कि मैं तिरस्कार करता हूँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। दोस्तों, इस बात को नोट रखिए या फिर इस बात को याद रखिए, उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। जैसे ही ऐसा किया जाता है और यहाँ पे बालन शाह कहते हैं कि मैं किसी भी यहाँ पे दंड को भुगतने के लिए तैयार हूँ, अगर मुझे ऐसा करना पड़ा कि मैं मेरे देश के लिए अच्छा कर रहा हूँ तो मुझे बिल्कुल भी शंका नहीं आएगी इस चीज़ को अचीव या फिर इस चीज़ को ग्रहण करने में, यानी कि वो दंड भुगतने के लिए भी तैयार हैं। तो यहाँ पे बालन शाह जो कि उनके साथ आवाम है पूरे नेपाल की, अब यहाँ पे थिएटर्स तो खुल गए लेकिन नंबर ऑफ क्राउड, नंबर ऑफ पीपल जो कि वॉच करें मूवी को, वो बहुत ज़्यादा कम संख्या में जाते हुए दिखाई दिए, क्योंकि जैसा कि बालन शाह ने कहा था कि मैं नहीं चलने दूंगा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा जो यहाँ पे गलत। तो मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट हो या फिर कोर्ट कोई सी भी हो, उसका डिसीजन सर्वोपरि माना जाता है किसी भी देश के अंदर, यानी कि कोर्ट ने जो फैसला सुना दिया उसको मानना ही पड़ता है। अब यहाँ पे गलत या सही नहीं देखा जाता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या फिर कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसने सही और गलत का डिसीजन दोनों जानकर उसने ये यहाँ पे निर्णय लिया है कि ये डिसीजन सही है और ये डिसीजन गलत है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहा है कि हिंदी फिल्में चलनी चाहिए तो इसका मतलब ये हुआ कि अब
जो बालन शाह कह रहे थे वो गलत है और ये सही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है और इस चीज़ को कहीं ना कहीं मानना चाहिए था बालन शाह को, लेकिन उन्होंने नहीं माना। अब नहीं मानने का एक और यहाँ पे साइड इम्पैक्ट ये फैलेगा कि आगे कोई ऐसा डिसीजन जो कि किसी के विपक्ष में आएगा सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी भी कोर्ट के द्वारा, तो वो भी इस डिसीजन को नहीं मानेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको रास्ता मिल जाता है और ऐसे में कानून की धज्जियां उड़नी शुरू हो जाएगी, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता एक देश के लिए। दोस्तों क्या आप भी यही मानते हैं? मैं तो यही